हाय गाइस, मैं हूं सवराज और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट क्लियर ग्लोइंग स्किन फॉर इंडियन मेन। तो अगर मैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। और वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हो कि ग्लोइंग स्किन आपको लानी है ना। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी खेलने की वजह से, धूप के अंदर जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। मैंने उसको काफ़ी हद तक थोड़ा रिस्टोर कर लिया कुछ टाइम के अंदर और उस पर ही ये वीडियो है। नाउ आपको क्या करना है ताकि आप भी अपनी स्किन को जो है डलनेस निकाल पाओ, ब्लैक हेड्स निकाल पाओ, पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम अपनी स्किन में से निकाल पाओ, तो वही बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कुछ भी आपका मिस ना हो। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप करोगे तो आप अपनी स्किन को रिस्टोर कर सकते हो ना। इसके अंदर टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, पर आपकी स्किन ज़रूर बेटर हो जाएगी विद टाइम। नाउ फर्स्ट थिंग के बारे में बात करते हुए है डाइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट आपको अच्छी करनी पड़ेगी, और डाइट अच्छी करनी पड़ेगी मतलब आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। आप कुछ भी नहीं खा सकते, जंक फूड नहीं खा सकते, कम कर दो जंक फूड खाना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर दो, थोड़ा सा कम करो और एक अच्छी डाइट लो, और ऐसा ऐसा आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और जो आप खाते हो वही आप बन जाते हो, ऐसा बोला जाता है। इसलिए डाइट का जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे। इसलिए डाइट को जो है बेटर कर लो, और वाटर इंटेक अपना थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा ज़्यादा पानी पीने की ट्राई करो अगर आप कम पानी पीते हो तो। नाउ सेकंड टिप के बारे में बात करते हुए ग्लोइंग स्किन के लिए, वो है कि आपको अपनी स्किन को क्लीन अच्छे से करना होगा, आपको उसको टोन करना होगा और मॉइस्चराइज़ करना होगा। CTM, क्लीन टोन एंड मॉइस्चराइज। क्लीन कैसे करना है, आपको कोई भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो उसको 2 बार यूज़ करो तो आपकी स्किन अच्छे से आप क्लीन कर पाओगे। क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर, जो बहुत सारी डस्ट हो जाती है, पॉल्यूशन है अभी इतनी सारी, वो आपके स्किन के ऊपर रह जाती है, उसको आपको क्लीन करना होगा। इसलिए फेस वॉश यूज़ करो 2 बार दिन के अंदर, सुबह उठने के बाद, सोने से पहले। बेसिक चीज़ है, टोन कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स विम्पल्स की प्रॉब्लम है तो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे एंड उसको टोन कर सकते हो, आपके पोर्स छोटे हो जाएंगे, अब वो पिंपल की प्रॉब्लम कम होगी, एक्ने की प्रॉब्लम कम होगी। और तीसरी वो है मॉइस्चराइज़ करो स्किन। अब मॉइस्चराइज़ कैसे कर सकते हैं स्किन को, मॉइस्चराइज़र आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, जेल बेस्ड यूज़ करो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल है या ड्राई है तो एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र कोई यूज़ करो जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, और ट्राई करो कि वो नेचुरल हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला ना हो ना। आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छी जो है मॉइस्चराइज़र होती है, तो अगर आपको एलोवेरा मिल रही है नेचुरल तो वो भी आप पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपने पहली दोनों चीज़ें कर दी, अब आपको आपकी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोटेक्ट किससे करना है तो प्रोटेक्ट करना है सन से और पॉल्यूशन से, कि दोनों से आपको स्किन को प्रोटेक्ट करना है। तो सन के अंदर घूमना थोड़ा सा कम करो अगर कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो हेलमेट पहनो, कैप्स पहनो और हेयर मास्क पहनो, जो हेयर मास्क आते हैं जो आप चेहरे पर लगा सकते हो वो पहनो। तो आपको सन से प्रोटेक्ट करना होगा, साथ में पॉल्यूशन से बचना होगा, तो वही हेलमेट पहन सकते हो या फिर हेयर मास्क पहन सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में घूमते हो तो। और जब भी पॉल्यूशन से आओ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन या डर्ट में से आओ, तो फेस वॉश कर लो। और ऐसे भी आप ज़्यादा पानी से वॉश करते रहो अगर आप पॉल्यूशन के अंदर घूमते रहते हो, तो फिर थोड़ा पानी से ही सिर्फ वॉश करते रहो अपने फेस को। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको स्किन के पोर्स को छोटा करने के लिए, बंद करने के लिए क्या करना होगा। तो जब आप फेस वॉश कर लो तो उसके बाद आइस क्यूब लो, और आइस क्यूब को एक अच्छे साफ़ कॉटन क्लोथ के अंदर डालो या कॉटन नैपकिन के अंदर डालो, और उसको अपने स्किन के अंदर ऐसे ऐसे डैप करो स्लोली स्लोली। ये क्या करेगा, आपके जो स्किन के पोर्स हैं उनको छोटा कर देगा, उनको सरप्रेस करेगा, जिससे आप एक्ने होने से आपको बचेगा और ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आपके पोर्स छोटे हो जाएंगे तो उसके अंदर डर्ट नहीं घुसेगी, उसके अंदर जो है सारी पॉल्यूशन नहीं जाएगी, और आपको उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो सरप्रेस करो अपने पोर्स को, आप ऐसा कर सकते हो थ्रू एनीथिंग, अप्लाइंग एनीथिंग कोल्ड टू योर स्किन। और इसके साथ साथ आता है कि गर्म पानी से अपना मुंह धोना छोड़ दो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है आपके फेस की स्किन को। गर्म पानी से बिल्कुल भी अपना फेस वॉश मत करो, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये आपके स्किन के पोर्स को जो है खोल देता है। और फिर आप अगर बाहर निकल जाते हो, मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रहे हो, और डर्ट जो है सारी डस्ट आपके स्किन के अंदर घुस जाएगी, तो ये आपके पिंपल्स और एक्ने की तरफ लीड कर सकता है। तो आप ये तो नहीं चाहते, इसलिए गर्म पानी से फेस वॉश मत करो। वार्म वाटर चलेगा, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है वो, या फिर कोल्ड वाटर, बहुत कोल्ड भी नहीं होना चाहिए पर कोल्ड वाटर भी अच्छा रहेगा। नाउ फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आप अपने स्किन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो थ्रू एप्लीकेशन।
आप हेयर मास्क लगाओ, हेयर स्क्रब्स यूज़ करो जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, आपकी डेड स्किन को निकालेंगे, और एलोवेरा ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगी, आपकी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप इस पर एक सेपरेट फुल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा थोड़े टाइम के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये सबको फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ, एंड वर्क होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर देना लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।